रिहान फोटो ले बेटा। चश्मा निकाल लो, दे दे भाई, बहुत धूप है। अरे काहे के लिए लो ना, धूप लगेगा यार। चलना भाई, हो जाना। चल थोड़ा तो ऊपर आओ ना, सही मिलेगा। अरे क्या खाना, अरे पीछे आना दोस्त, पीछे आ जाओ यार। चलो चलो जल्दी, इधर खड़ी हो जा बेटा। छोड़ दो भाई, छोड़ दो। छोड़ो भाई, पूछ रहा हूँ तू बता। अरे क्या कर, कट बोला ना तेरे को मैंने, बोला तू भी पीछे मैं
गुड टू सी यू निकिता, थैंक यू सो मच। हमने देखा आज आप एक अलग कॉज के लिए आए हैं, प्लीज मैं जानना चाहूँगा उस कॉज के बारे में, हालांकि आपकी जुबानी जानना चाहूँगा अपने लोगों को बाहर। देखिए बहुत मुश्किल समय चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, बट हमें लगता है कि इंडिया में हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कुछ जो खास चीज़ें हैं वो खास लोगों तक जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। और ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा ही आगे आएँ और काम करें। तो मैं और ये मेरे पार्टनर फैमिली फ्रेंड हैं, तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है और इनका बहुत 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 आगे से है, तो ये बहुत अच्छा काम करते। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना लोगों के पास जा जा के, तो आज संडे है क्योंकि बहुत सारे लोग उबता गए हैं लॉकडाउन से, खाना नहीं मिल रहा है, तो आज थोड़ा क्योंकि सीजनल है, आम का रस है और पूड़ी है और ऐसी सारी चीज़ें हम लोगों ने बांटने की कोशिश की। ये इनिशिएटिव जब आप तक आया, आपका पहला ये पहले से आइडिया जहन में चल रहा था जिस तरह के हालात हिंदुस्तान खासकर के इंडिया में हैं, जी जी, या इनसे मुलाकात हुई और आपने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि लेट्स डू इट समथिंग लाइक दिस? नहीं, ऐसे आइडिया जो है वो इन्हीं के दिमाग में आते हैं, मेरे भी आते हैं बट वो मेरे अलग आर्टिस्टिक वे पे आते हैं, बट ऐसे ही जो आइडिया है तो किरीट जी के दिमाग में ही आते हैं। तो मुझे लगा, उन्होंने जब मुझे ये बताया कि हर संडे हम लोग यहाँ से 350 से 400 लोगों का हम लोग हमेशा देते हैं, उन लोगों को ये खाना देते हैं, तो हर संडे संडे का है क्योंकि संडे को सब फ्री होते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल डे होता है, तो कुछ मिठाई कुछ अच्छा खाना देने का हमने सोचा। तो क्रिट जी के दिमाग में आया और उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं एक्साइटेड थी इसके लिए, और फिर हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। तो बेसिकली आइडिया इनके दिमाग में आया। क्रिट जी, आपसे पूछना चाहूँगा, एक अलग दुआओं का सिलसिला चलता है जब आप इस तरह की सहायता करते हैं, ये आपने कैसे सोचा? और मैं देख रहा हूँ लोग भी बहुत आ रहे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं। मेरी मदर का नाम है लीला बेन और ये मैंने उसी मदर के नाम से मैंने ट्रस्ट चालू किया है, लीला बेन हिम्मतलाल हरगोविंददास मोरवाड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट। लास्ट ईयर हम लोग ने 1162 जन को दो दो डजन नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट की थी, ब्लड कैंप किया था, छोटे मोटे काफ़ी कुछ जो भी हेल्प चाहिए थी वो की थी। बट ये जो था वो काफ़ी टाइम से थॉट था मेरे माइंड में कि गरीब लोग को जो यहाँ पे आजू बाजू है उनको ये भोजन स्टार्ट करना है। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स है, उनसे बात करने के बाद हम लोग ने जो जहाँ जहाँ ये भोजन का आराम चालू था वहाँ पे हमने पूरा रिसर्च करके फिर यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट करने का सोचा। लॉकडाउन के वजह से थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो 1 ईयर के पहले ही ये स्टार्ट हो चुका होता था। फिर निकिता जी से मैंने बात की, ऐसा ऐसा स्टार्ट करना है, तो बोलते हैं नहीं अपन साथ में स्टार्ट करते हैं करके। मेरे साथ इसमें राजेश गोल्ड वाले हैं, नाकोड़ा वाले हैं, के तलशानिया करके है, तो सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झोला वाले कीर्ति भाई है जो गारमेंट इंडस्ट्रीज में बहुत आगे है हमारे साथ, तो उनका भी फ़ोन आया कि किरीट भाई आप हम लोग साथ में ही है, आप स्टार्ट करिए करके। तो ये सारे मिलके हम लोग सब मिलके यहाँ कर रहे हैं। अभी जो 400 जन भोजन ले रहे हैं, मुझे लगता है अगले एक दो वीक के बाद शायद 700-800 पे संख्या पहुँच जाएगी। लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और अभी कोविड की वजह से जितनी दूरियाँ रख सकते हैं हम लोग और जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करके वो कर रहे हैं, जितनी हो सके उतनी बेटर रीत से और करेंगे आगे। तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आखिरी सवाल आपसे, निकिता जी जैसी शख्सियत जब जुड़ जाती है तो बात कितनी ज़्यादा दूर तक पहुँचती है वो मैं जानना चाहूँ, कितना हेल्प हो जाती है जब एक आर्टिस्ट जुड़ जाता है? ये आर्टिस्ट शायद लोगों के लिए रहेगी, हमारे लिए तो ये हमारी फैमिली फ्रेंड है, एकदम बढ़कर है फैमिली से भी, तो ये बहुत ऊंचाई पे है वो अलग बात है, लेकिन हमारे साथ है, बस ये हमारे लिए खुशी की बात है। निकिता, व्हाट टेल अस व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट? अ प्रोफेशनल फ्रंट, आई हैव एज यू गाइस नोस दैट आई हैव डन लॉट्स ऑफ मूवी हियर एंड साउथ एंड आई यूज्ड टू प्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली इन कथक परफॉर्मेंस, आई हैव गॉट सो मेनी अवार्ड्स आल्सो, नाउ डूइंग फ्यू वेब सीरीज, अ फ्यू अमेजिंग इंटरनेशनल गुड वीडियोस एंड माय मूवी इज कमिंग विद अर्षद वारसी एंड चंकी पांडे, द नेम कॉल्ड रोटी कपड़ा एंड रोमांस। सो आई थिंक ये अगस्त नवंबर तक मेरे ख्याल से कि रिलीज हो जाएगी। थोड़ा सा फिल्म के अपने किरदार के बारे में बताएंगी, आप क्या किरदार? रोटी कपड़ा मकान तो हमने छोड़ सुना है, रोटी कपड़ा रोमांस, ये तो बिल्कुल नया यूनिक लग रहा है। देखिए क्या है ना कि पहले हम सोचते थे कि जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की बहुत ज़रूरत है, फिर थोड़े टाइम के बाद लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि रोटी कपड़ा तो है ही, कपड़ा भी खरीदा जा सकता है, रोटी तो चलो कमा ही लेंगे,
मकान भी रेंट का मिल सकता है, लेकिन रोमांस जो है वो रेंट पर नहीं मिलता, वो ओरिजिनल चाहिए होता है, और वो रोमांस जो है वो ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कलर्स और खुशी और हैप्पीनेस लाता है। तो आई थिंक रोमांस बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही इस पिक्चर की, इस मूवी की टैगलाइन है, और उसी लाइन को लेकर हम चले हैं। ये बहुत कॉमिक है और मेरा रोल भी उसमें कॉमेडी है, तो आई एम डूइंग कॉमेडी इन इट, सो आई एम फीलिंग गुड। व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डू इट, कॉमेडी और डू यू डू अ सेंसिटिव सीरियस रोल? आई थिंक कॉमेडी, कॉमेडी बहुत, मतलब लोगों को हंसाना और उस टाइम पे हंसाना जहाँ पर ये सब चल रहा हो, और एक्चुअली हंसना बहुत ही मुश्किल है, तो मेरे हिसाब से हंसाना कॉमेडी इज़ वेरी डिफिकल्ट, विच आई एम डूइंग। शादी के बाद हंसना बहुत मुश्किल है। अर्षा द्वारसी, चंकी पांडे, कैसे एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत सीनियर एक्टर्स हैं और उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, और मेरे हिसाब से हम लोगों ने 3 महीना शूट की, बट बहुत अमेजिंग टाइम रहा हमारा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अर्षा द्वारसी और चंकी पांडे, हु इज़ मोर फोकस? अर्षद ऑब्वियसली। क्या सीखा खास आपने अर्षद से अगर मैं बात करता हूँ? ज़िंदगी को लाइटली लेना सीखा उन लोगों से, और ज़िंदगी के हर एक छोटे छोटे मोमेंट से, उन लोगों ने जो टैगलाइन उठाई है, उन लोगों ने जो एक हंसी की बात जो उठाई है, या कितनी भी सीरियस चीज़ हो उसमें हंसी जो उन्होंने ली है, मजाक जो उन्होंने लिया है, बहुत लाइटली लेना, वो उनका बहुत USP है। क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए इस फिल्म में काम करते हुए? नहीं, बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं रहा, मुझे लगा था मैं हॉलीडेज़ पर थी, क्योंकि दोनों ऐसे कॉमेडियंस और इतने अच्छे दिमाग वाले और इतने बहुत ही अच्छे एक्टर साथ में थे, तो चैलेंजिंग तो नहीं रहा। हाँ, मैंने सीखा बहुत, आप ये कह सकते हो कि मैं एक इंस्टीट्यूट में गई थी और मैं बहुत कुछ सीख कर वापस आई हूँ। आखिरी सवाल आप जी, कंगना ट्विटर पर बहुत सी बयानबाजी करती हैं, ट्विटर भी सस्पेंड हो गया, वो देशभक्ति की बात करती हैं, वो इंडियंस की बात करती हैं, उनके भले की बात करती हैं, लेकिन कभी भी उन्हें ग्राउंड पे नहीं देखा गया है। आप ग्राउंड पे हैं और भी बहुत लोग ग्राउंड पे हैं, जो इस तरह से ट्विटर पे सिर्फ बयानबाजी करते हैं लोगों की मदद ना करने के बजाय, या सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये है कि अगर मैं कंगना के बारे में बात करूं, मैं पर्सनली उन पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट एज़ यू क्वेश्चन मी, तो मुझे ऑब्वियसली उसका आंसर देना है, बिकॉज मैं हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे सकती, जो है वो है। मैं उनके ही अंदाज में उन्हें कहना चाहूँगी कि आप बात इंडिया की करते हो, बात इंडियंस की करते हो, बात अच्छी पार्टी की करते हो, बात छोटे लोगों की करते हो, बहुत अच्छी बात है, अपने देश की बात करते हो, वहाँ तक मुझे बहुत गर्व है, बहुत अच्छा लगा है। बट क्या होता है ना कि बात करने से कुछ नहीं होता, नीचे आकर काम भी करना होता है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या ऐसा कोई ग्राउंड लेवल पे काम किया है, उनके विचार बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर वो उनके विचार प्रैक्टिकली उतर पाए या लोगों के लिए वो एक्चुअल में कुछ कर पाए, तब वो सही मायनों में उनके विचारों की हम लोग सराहना करेंगे और उनके विचारों की अहमियत करेंगे। क्योंकि हाँ, मैं भी बात कर सकती हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, सब कोई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ग्राउंड पे उतर के लोगों की हेल्प करना, उसी को अच्छी विचारधारा कहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।